हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी सफरनामा व्लॉग में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का मेरा टॉपिक कोई व्लॉग नहीं है, लेकिन मेरा टॉपिक है आज व्लॉग पे कि व्लॉग बनाना इतना आसान है या नहीं है। इस टाइम खड़ा हूँ मैं, आप देख सकते हो ये पार्क। तो गाइस आपको मैं बता दूँ कि व्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं कि व्लॉग बनाना बहुत आसान है, लेकिन उतना आसान है नहीं। पहले मैं भी यही सोचता था कि यार व्लॉग बनाना बहुत आसान है, मैं भी व्लॉग बना देता हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 महीने का, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं जब आप व्लॉग बनाते हो। तो व्लॉगिंग करना कितना मुश्किल है वो आपको मैं आज आपके सामने मेरा जो 3 महीने का एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मेरे भाई मैं आपको बता दूँ कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं यार। हम लोग रात दिन भर भागते हैं, इतनी कड़ी धूप है इसमें भागते हैं, पेट्रोल का क्या आपको पता होगा कितना पेट्रोल जलाते हैं यार। उसके बाद में हम लोग जगह जगह से क्लिप लेते हैं, उसको फिर एडिट करते हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना पड़ता है, ठीक है, जो ख़राब चीज़ें हैं उसको काटना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों से हमें मिलना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, कितनी भीड़ है उसके अंदर हमें बोलना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है यार यूट्यूबर के लिए, एक व्लॉगर के लिए व्लॉग बनाना। लेकिन इसके बाद में आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसके बाद में यूज़ नहीं आता है, तो फिर यार दिल टूट जाता है। तो गाइस सबसे पहली प्रॉब्लम आती है नए यूट्यूबर के लिए कि यार क्या बोलना है कैमरे के सामने। कैमरे के सामने आते ही वो बंदा घबरा जाता है, हड़बड़ा जाता है कि यार क्या बोलना था, क्या नहीं बोलना था, कुछ नहीं बोल पाता कैमरे के सामने आने के बाद में। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वही है कि यार कंटेंट कहाँ से लाए। क्योंकि जैसे मैं मेरी बता दूँ कि मैं सीकर ज़िले से रहने वाला हूँ, तो जितने मेरे आसपास के जो टूरिस्ट स्थल थे, जो दिखाने लायक जगह थी, वो मैंने अभी दिखाई है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि यार कंटेंट कहाँ से ले। सेम यही प्रॉब्लम सभी यूट्यूबर्स के सामने होती है जो नए यूट्यूबर होते हैं। हालांकि जो पुराने यूट्यूबर होते हैं उसको कुछ इनकम होने लग जाती है, उसके सामने ये प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है, लेकिन जो नए यूट्यूबर है उसके सामने यही प्रॉब्लम आती है कि यार कंटेंट कहाँ से ले। जो दिखाना चाहता था वो सब कुछ दिखा दिया है, अब कंटेंट यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहे। जब आप कंटेंट उपलब्ध नहीं करा पाओगे तो आपके सामने यूज़ नहीं आएंगे, यूज़ नहीं आएंगे सब्सक्राइब नहीं आएंगे और आपके चैनल डेड हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार बजट नहीं है, बजट कहाँ से लाए। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, अपने पास मोबाइल से कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें कैमरा भी चाहिएगा, माइक्रोफोन भी चाहिएगा, एक आदमी भी चाहिएगा कैमरे के पकड़ने वाला, लेकिन वो तो आगे की बात है। लेकिन स्टार्टिंग में हम चलो अच्छा खासा है कि आपके पास मोबाइल है तो उससे हम लोग अपने शूट कर लेते हैं वीडियो, ठीक है। लेकिन यहाँ तक कि काम सीमित नहीं रहता है, हमें कंटेंट लाने के लिए आगे भी जाना पड़ता है, हमें अपने स्तर से आगे भी बढ़ना पड़ता है, इंडिया में घूमना पड़ता है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान से बाहर भी निकलना पड़ता है, ठीक है, अपने राज्य को छोड़ना पड़ता है, अपने स्टेट को छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसके लिए चाहिए मनी, खर्चा, वह कहाँ से लेके आए। सबसे पहले आप अगर एक यूट्यूबर हो, आप अगर एक व्लॉगर हो, तो आपके लिए एक बाइक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट बाइक आप व्लॉगिंग नहीं कर सकते, तो बाइक भी चाहिएगी आपको, ठीक है। और इसके अलावा आपको घूमने के लिए पैसा भी चाहिएगा। अगर आप घूम नहीं पाते तो व्लॉग जैसी बात है, व्लॉगर के लिए अगर घूमना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घूम नहीं पाओगे तो आप कंटेंट नहीं जुटा पाओगे, अगर आप कंटेंट नहीं जुटा पाओगे तो आपके पास व्यूज़ नहीं आएंगे और सब्सक्राइब नहीं आएंगे। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास में यही होती है कि यार हमारे पास में बजट नहीं है, इसलिए हम कंटेंट नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। अगर आप बजट के पीछे भागोगे तो आपकी यूट्यूब चैनल है वो डेड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डेड, मैं आपको देखो नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो रियलिटी है यूट्यूब की और जो एक यूट्यूबर जो है, एक व्लॉगर जो फेस करता है, जो प्रॉब्लम्स जो स्ट्रगल करता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ और जो लोगों ने स्ट्रगल किया है वो एक्सपीरियंस आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप बजट के पीछे भागो कि यार वहाँ से हम इनकम कर लेते हैं, आप फिर कंटेंट नहीं जुटा पाओगे, आप टाइमली आप यूट्यूब को नहीं दे पाओगे, क्योंकि जितना यूट्यूब का आप टाइम दोगे, जितना आप टाइम से टाइम आप कंटेंट अपलोड करवाओगे, तभी आपके सामने व्यूअर्स आएंगे, तभी आपके पास सब्सक्राइब आएंगे। अगर आपने 10 दिन छोड़ दिया किसी वीडियो के अंदर, आपने 15 दिन का टाइम दे दिया, तो फिर जो सब्सक्राइबर है वो भी अनसब्सक्राइब हो जाएंगे और जो आपके व्यूज़ आ रहे हैं वो भी फिर आपके इतने व्यूज़ नहीं आएंगे। तो इसलिए अब हम इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से और वीडियो आप पूरा देखिएगा, ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपकी समझ में आएगा।
अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर उसने तो कल चैनल बनाई थी, आज 100 सब्सक्राइबर हो गए, आज 1000 सब्सक्राइबर हुए, 3 दिन के अंदर उसने 20,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूँ कि वो या तो उनकी पहले से कोई यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो उनके जो ऑडियंस है वो ऑडियंस यहाँ पे आ गई, उनके चैनल में कोई दिक्कत हो गई या दूसरी चैनल क्रिएट कर लियो, तो वो जो सब्सक्राइबर थे वो यहाँ लेके आ गए अपनी दूसरी वाली चैनल पे। फेस वैल्यू भी एक कोई चीज़ होती है, ठीक है, जब प्रसिद्ध यूट्यूबर है, ठीक है, कोई भी मान लो आप जैसे सौरभ जोशी है, आज सौरभ जोशी अगर उस चैनल को छोड़ के दूसरी चैनल क्रिएट करता है तो रातों रात उसके 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि पहले से उनके पास में टीम बनी हुई है, वो अपनी टीम को, वो अपने ऑडियंस को दूसरी चैनल पर लेके आ सकता है। लेकिन जो हमारे जैसे नए यूट्यूबर है या आपके जैसे नए यूट्यूबर खड़े हो रहे हैं, ठीक है, उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरे भाई पहले, ठीक है, उसके बाद में ही आप लोग जो है दूसरी चैनल क्रिएट करोगे तो जो आपके इस चैनल पर ऑडियंस है उसको आप लेके आ सकते हो उस उधर, ठीक है। इसका सोल्यूशन यही है मेरे भाई कि हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक दूसरे का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं एक व्लॉगर हूं, ठीक है, तो दूसरे व्लॉगर से संपर्क करूंगा, कैसे करूंगा, यूट्यूब के जरिए संपर्क कर सकता हूं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू संपर्क कर सकता हूं, ठीक है। अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा सपोर्ट कौन करेगा, क्योंकि ऑडियंस है वो पहले से बंधे हुए हैं लोगों के पास में, ठीक है, जो बड़े बड़े व्लॉगर हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनको तो ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आवश्यकता है हमें छोटे यूट्यूबर को, ठीक है, और आवश्यकता है हमें स्टार्टिंग के अंदर स्ट्रगल करने की। स्टार्टिंग के अंदर हम लोग एक बढ़िया सा ग्रोथ कर लेंगे, बढ़िया सब्सक्राइब मिल जाएंगे और बढ़िया व्यूज आएंगे, इसके बाद में हमारी भी चैनल दौड़ने लग जाएगी, क्योंकि ये भाई मेरे भाई क्या है, ये एक ट्रेन है। स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर ट्रेन को स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, इंजन को सबसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसके बाद में अगर आपकी ट्रेन दौड़ गई तो फिर डिब्बे जो है पीछे से ऑटोमेटिक धक्का लगाएंगे। सेम वही जो है एल्गोरिथम यूट्यूब पर लगता है, स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप एक यूट्यूबर हो, आप उसका एक इंजन हो, इंजन को स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, अगर फिर ये चल जाएगा इसके बाद में जो है ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेन दौड़ने लगेगी। तो मेरे भाई चलिए एक दूसरे का सपोर्ट करिए और एक दूसरे को दबाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और आप ही लोग हो जो एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं। हम सब लोग मिलकर अपनी जो है यूट्यूब को आगे बढ़ाएंगे, अपने चैनल को ग्रोथ करवाएंगे। तो आशा है कि आप आज मेरा वीडियो समझ पाएंगे तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप समझोगे, इतने समझदार हों आप लोग, तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ मेरे को बताइए कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ और इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी इसके बारे में क्या राय है आप एक। तो चलिए आज का मेरा यही टॉपिक था, आज का मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इस बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। नमस्कार।